होता है इसमें, क्योंकि ये सरकार विरोधी अभियान नहीं है, शराब विरोधी अभियान है। और आप लोगों को पता ही है गंगा के साथ मेरा इतना ज़्यादा गहरा लगाव है, और वो अपने आप हुआ है, मैंने बनाया नहीं है, मतलब मेरी स्वेच्छा से नहीं हुआ है। कि 1.5 साल के कोरोना काल में मैं गंगा पर कुछ कर ही नहीं सकी, क्योंकि आपको तो स्थितियाँ स्वयं मालूम है, जो आपको मालूम है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। शराबबंदी पर भी कुछ नहीं कर सकी इसी कारणों से। तो इसलिए मैं पहले गंगा का एक फेज जो अंतिम पूरा होना था, वो 14 जनवरी को पूरा होते ही मैं स्वयं शराबबंदी के अभियान में शामिल होंगी। उसके पहले जो इस अभियान में जुड़े हैं लोग, उनको मैंने कहा कि आप पहले ये प्रयास करके देख लीजिए कि स्वेच्छा से कितने लोग छोड़ते हैं, और निषिद्ध स्थानों में कहाँ कहाँ शराब की दुकानें हैं उसकी एक सूची बना लीजिए। तो वो तो सरकार की नीति के ही खिलाफ हैं फिर वो दुकानें, तो सरकार ही उस नीति का पालन कर ली। और उसके बाद फिर जब मैं 14 जनवरी को वहाँ लौटूंगी, हम समीक्षा करेंगे और मैं अभियान में भागीदारी करूंगी, मैं कह चुकी हूँ और उस समय बिल्कुल नहीं पलट रही हूँ। जो बीच में आ जाता है ना, ये शराब लॉबी क्या करती है, ये लाइन छुड़वाएगी खास करके कांग्रेस के नेताओं से। वो क्या, वहाँ भारती 8 महीने तो कुछ नहीं बोली, तो क्या कोरोना दूसरे ग्रह पे आया था, 8 महीने तो कोई कुछ नहीं बोल पाया, घर से नहीं निकल पाए लोग, तो अभियान कैसे चलाते हैं। तो ये तो नहीं है कि लास्ट में सरकार का दबाव आ जाएगा या कुछ आ जाएगा आप? सरकार का दबाव मुझ पर क्यों आएगा, मैं सरकार में हुई, मध्य प्रदेश की सरकार में क्या हूँ जिससे कि मुझ पर दबाव, मुझ पर कोई दबाव नहीं। मेरे और बीडी शर्मा के और शिवराज जी के बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, और वो दोनों स्वयं शराब के बहुत खिलाफ हैं, नशे के बहुत खिलाफ हैं, बल्कि वो मुझे खुद सुझाव देते हैं कि आप शराब के साथ नशाबंदी की भी बात करिए, जितना शराब नुकसान कर रही है उतना नशा भी नुकसान कर रहा है। इसलिए इस मामले में सब तरफ सद्भावना है, कोई दबाव नहीं, कोई दुर्भावना नहीं। थैंक यू।